नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, DFCCIL वैकेंसी 2021 का फॉर्म फिलअप होना आपका कंप्लीट हो चुका है। 23 जुलाई आपकी रात 12 बजे तक यहां पे फॉर्म फिलअप हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और दोस्तों कंपटीशन कितना बढ़ गया है डेट एक्सटेंड करने की वजह से। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देर न करते फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि DFCCIL की कोई से भी न्यूज हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट जो कि मैं कल रात को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिया हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अगर मैं जूम करके दिखा दूँ तो आप ऊपर देख सकते हैं टाइमिंग। ये टाइम दोस्तों है यहाँ पे 23:23, मतलब रात को दोस्तों लगभग 11:30 बजे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप देख सकते हैं 9,37,229 रात को 11:30 बजे गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये खूब से खूब गया होगा, तो 9,40,000 गया होगा, इससे ऊपर नहीं गया होगा रजिस्ट्रेशन जो है। बट क्या रजिस्ट्रेशन अगर इतने हुए तो इतने ही फॉर्म आपका पूरा फिलअप हुआ है? तो जी नहीं दोस्तों, इसमें मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये फॉर्म आपका 5 से 6 लाख से ज़्यादा नहीं फिलअप हुआ होगा। ये 2-3 लाख जो कैंडिडेट हैं रजिस्ट्रेशन करके ही केवल छोड़े होंगे। इसके दोस्तों सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो कैंडिडेट सीरियस थे उन सभी कैंडिडेट्स ने जो पहले वाली डेट थी 23 मई उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था। इसके बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको पता नहीं है, इस वजह से उन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन किया था। सबसे बड़ी वजह थी कि DFCCIL के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि है क्या ये। तो जो मैं बात कर लूँ 23 मई को जो यहाँ पे सबसे पहली लास्ट डेट थी उस पे जो फॉर्म फिलअप हुए थे, तो दोस्तों वो टोटल आपके फॉर्म फिलअप हुए थे उस टाइम पे 4.5 लाख के आसपास जो रजिस्ट्रेशन हुआ था। बट दोस्तों अब ये बढ़ के 9.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों जनरली देखा है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और स्पेशली बात कर लूँ किस पोस्ट के लिए बढ़ा है, तो आप लोगों को मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि जो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट हैं BND जो ऑपरेशन वाले हैं, तो उस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। क्योंकि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स को DFCCIL के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि डिप्लोमा और ITI वाले कैंडिडेट्स तो इंडियन रेलवे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो DFCCIL के JEE और इन सभी पोस्टों का अवेयरनेस अच्छी थी, तो उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया। बट जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन को बाद में किया। दोस्तों सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो है वो ITI और दोस्तों स्पेशली जो बात करूँ तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। असिस्टेंट मैनेजर में दोस्तों बहुत ही कम फॉर्म फिलअप हुए हैं जो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोशिश करूँगा हर एक डाउट को क्लियर करने की। और DFCCIL के बारे में आप कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कर सके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।